जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि BSc एग्रीकल्चर थर्मस्टर का जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का देख लीजिए, आप लोग भी मिला लीजिए अपने क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन आ गया है, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ गया है। देखिए बोर्डेक्स मिश्रण तैयार किया जाता है, बोर्डेक्स मिश्रण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन संख्या ए मिलनड्रेट द्वारा, बी एंटोनी बेरी द्वारा, सी ईजे बटलर द्वारा, डी प्रीवेस्टो के द्वारा। तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मिलनड्रेट द्वारा आपका तैयार होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या दो देख लीजिए, ऐसे रसायन जिनमें कवक रोग कारकों को मारने की क्षमता हो उन्हें कहते हैं, ऐसे रसायन जिनमें कवक रोग रोग कारकों को मारने की क्षमता हो उन्हें कहते हैं। देख लीजिए केमिकल हैविंग द ट्वेंटियल टू किल फंजाई टोकन इन नो आइज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंजी साइट। क्या हो जाएगा? फंजी साइट यानी कवकनाशी, कवकनाशी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पुरातन कवकनाशी है तो सबसे पुरातन कवकनाशी सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर आपका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या चार देख लीजिए, मैंकोजेब समाविष्ट है तो किसके द्वारा समाविष्ट है? जिंक द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा और इन्हें सोडियम द्वारा। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों यानी जिंक और मैग्नीशियम के द्वारा समाविष्ट है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन संख्या पाँच, चौबटिया पेस्ट सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, कहाँ हुआ था? भारत में, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आठ देख लीजिए, चूर्ण अस्थिरता रोग को प्रबंध करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी, जो चूर्ण अस्थिरता रोग होता है उसको प्रबंध करने के लिए सबसे उपयुक्त कवकनाशी का नाम बताइए। सबसे उपयुक्त कवकनाशी है कैराथेन। क्या नाम है? कैराथेन आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या सात देखिए, क्वेश्चन संख्या सात, निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी बीज उपचार के लिए प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी है जो बीज उपचार के लिए प्रयोग होती है? तो इसमें मैंकोजेब, कैप्टान, कैराथेन। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी राइट आंसर उपयुक्त, तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आठ देख लीजिए, सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित हुआ था या सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया गया था तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? वान स्मेलिंग और कलका के द्वारा 1966 में विकसित किया गया था। क्वेश्चन संख्या नौ देख लीजिए, ओरियोफंगिन प्रतिजैविकी का प्रयोग करते हैं, ओरियोफंगिन प्रतिजैविकी का प्रयोग करते हैं तो कवक के द्वारा प्रयोग करते हैं, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए, प्लांट बैक्स कवकनाशी से उपयुक्त नियंत्रित होता है, जो प्लांट बैक्स कवकनाशी होता है उससे क्या नियंत्रित होता है? तो उससे गेरुआ रोग नियंत्रित होता है। क्वेश्चन संख्या 11 देख लीजिए, आर्थिक दहली स्तर सदैव होता है, आर्थिक दहली स्तर को सदैव होता है EIL से निम्न, किससे? EIL से निम्न होता है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए,
आर्थिक क्षति स्तर के बारे में क्या सत्य है? आर्थिक क्षति स्तर के बारे में क्या सत्य है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन संख्या ए सही है। पीड़कों की वह निम्न संख्या जो आर्थिक नुकसान करें, पीड़कों की वह निम्न संख्या जो आर्थिक नुकसान करें। क्वेश्चन संख्या 15 में क्या, क्वेश्चन संख्या 13 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 13 दिया है ETL का फुल फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 13 में। तो इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देख लीजिए। कौन सी पीड़कनाशी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुई थी? तो DDT पीड़कनाशी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुई थी। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए। पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या होती है, जो पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? रोग व्याप्ता। पौधों की संख्या को रोग व्याप्ता कहते हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए। पौधों के भाग या अनुपात जो रोग ग्रसित कहलाते हैं, रोग तीव्रता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रोग तीव्रता। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए। रोग मापन की विधियां क्या हैं? रोग बुद्धि गहरा। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए। 18 देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कटिंग इफेक्ट पेस्ट एक्ट लागू हुआ था तो 1914 ईस्वी में ये लागू हुआ था। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1914 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन संख्या 19। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? कोरोना में क्वारंटाइन चला था तो इसका मतलब है 40 दिन। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कोरोना वाला क्वारंटाइन नहीं है। क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए। किसी नवीन क्षेत्र में पौधों के पदार्थों बीज को ले जाना पूर्णता प्रतिबंध हो उसे कहते हैं इम्बार्गो कहते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21। उकठा रोग का उपचार करने के उपयुक्त विधि। उकठा रोग होता है बीज का उपचार कर लेना चाहिए पहले ही। क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए। गर्म जल बीज उपचार विधि को विकसित किया जाता है। जेनसन ने किया था। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए। सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूज स्मट को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था? लूथरा ने विकसित किया था। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देख लिए। लूज स्मट रोग है तो अंता बीज जनित रोग लूज स्मट रोग है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जनित बीमारी है? तो उकठा रोग मृदा जनित बीमारी है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायुजनित है? तो वायु के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो गिरोही रोग वायु के द्वारा उत्पन्न होता है। आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए। पादप रोग विज्ञान के जनक एंटन डी बेरी पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28 देखिए। आलू का बाट रोग एक उदाहरण है।
आलू का जो बार्ट रोग है उसका एक उदाहरण है इंडेमिक रोग, उसका एक उदाहरण है इंडेमिक रोग, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल महामारी का कारण, बंगाल महामारी का कारण तो इसमें हेलमेंथोस्पोरियम आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए जल्दी से देखते हैं आयरिश फरमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई थी, जो आयरिश फरमाइन थी वो किस वर्ष में दर्ज की गई थी, 1945 ईस्वी में दर्ज की गई थी, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क है, क्वेश्चन संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क है, तो उपरोक्त सभी पीड़क है, पीड़ा कौन कौन पहुंचाते हैं, देखिए कीट कवक और जीवाणु ये तीनों पीड़क हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है कहलाता है पीड़क, पीड़क कहलाता है, आपका यह राइट आंसर। एक नीचे क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं, एक जो नीचे क्षेत्र है वहाँ रोग होने को कहते हैं इंडेमिक कहते हैं, रोग होने को कहते हैं इंडेमिक, आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। 34वां देख लीजिए, लूज स्मिट के नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत उपयुक्त तो कवकनाशी है, कौन सी जो लूज स्मिट नियंत्रण के लिए कौन सी कवक बहुत उपयुक्त है, तो इसमें बीटा बैक्स आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 देखिए, असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना कहलाता है, तो इसमें कहलाता है स्पोरैडिक रोग, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 देखिए, पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जाता है, तो इसमें इवाइडेक्स कहलाता है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इवाइडेक्स। क्वेश्चन संख्या 37 देखिए, क्वेश्चन संख्या 37 पादप एवं रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना सिद्धांत है, पादप दिया है पोषक एवं रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना सिद्धांत किसका है, तो उन्मूलन सिद्धांत है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है, जैव कारक के जो रूप में प्रयोग होता है, तो ट्राइकोडर्मा प्रयोग होता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूर्णता कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑटोसियस कहते हैं, ऑटोसियस, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, रोग कारक का एक रोग चक्र फसल वर्ष में विकसित होती है उसे कहते हैं, रोग कारक का एक रोग चक्र फसल में विकसित होती है उसे कहते हैं एक चक्रीय, उसे क्या कहते हैं एक चक्रीय, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41, पौधों में रोगों के फैलने के अध्ययन को कहते हैं, जो पौधे होते हैं उसमें रोगों के फैलने के अध्ययन को कहते हैं इपिडीमियोलॉजी, तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 42 देख लीजिए, उमाई सीटीस कवक का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसके रिडोमिल के द्वारा प्रभावी नियंत्रण होता है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 जीवाणु भोजी है तो इसमें हो जाएगा वायरस, जीवाणु भोजी है वायरस। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए, जीवाणु भोजी जंथोमोनास, अगर आपको इसमें हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी देख लिया करें तो समझ में आ जाता है। देखिए 44 वाला, क्वेश्चन संख्या 44 है बैक्टीरिया ईटर बैक्टीरिया इज, तो इसमें आपका जीवाणु भोजी तो इसमें आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये वाला डेलो बायो सिया आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला नहीं, ये राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए, खैरा रोग किसकी कमी से होता है? खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है, ये धान में लगता है खैरा रोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविकी है? उपयुक्त सभी प्रतिजैविकी है। डिसऑर्डर का मतलब है ए और बी दोनों। डिसऑर्डर का पोषक तत्व की कमी और पोषक तत्वों की अधिकता, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन संख्या 48 देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देख लीजिए उसे क्या कहते हैं, पैंथोटाइप, पैरासाइट, पैथोजेन। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 49 देख लीजिए, रोग बीज की अंताक्रिया है, रोग बीज की जो अंताक्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? तो पोषक, रोग कारक, पर्यावरण। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 50 देख लीजिए, अच्छी कवकनाशी किसके द्वारा होती है, कैसे होती है? तो इसमें पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावशाली लक्ष्य रोग कारक के लिए उपयोगी। तो इसमें आपका ये तीनों कारक होते हैं, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 51 देख लीजिए, एफ आर ए सी का पूरा नाम फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लाल फंजीसाइड का लेबल का संकेत है, जो लाल कवकनाशी होती है। कुछ संख्या 52 में पूछा गया, कवकनाशी के लाल रंग का लेबल क्या होता है? कवकनाशी है उसके लाल रंग का लेबल क्या होता है? तो इसमें अधिक विषैली होती है, अधिक विषैली, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक रोग है? कैरेट रोग, आम का ब्लैक टिप रोग और धान का खैरा रोग। तो इसमें यह उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन संख्या 54 में पूछा गया, बोर्डेक्स मिश्रण में चूने का उपयोग होता है, बोर्डेक्स मिश्रण है उसमें चूने का उपयोग होता है। देख लीजिए इसमें, तो पौधों के लिए विषैलापन बढ़ाना, पौधों के लिए विषैलापन घटाना और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। माध्यम में अगर अगर का उपयोग है, माध्यम में जो अगर अगर है उसका उपयोग है, ठोस बनाता है, अगर अगर है वो ठोस बनाता है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 56 में पूछा गया, सूक्ष्म जीवों का पूर्णतया नष्ट करना कहलाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें पूर्णतया नष्ट कर देना कहलाता है, तो उन्मूलन कहलाता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उन्मूलन। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 58 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो कवकनाशी है वो मृदा उपचार में प्रयोग की जाती है। तो इसमें बीटा बैक्स है, जो मृदा के उपचार में छिड़काव की जाती है या डाली जाती है, बीटा बैक्स। क्वेश्चन संख्या 59 देखिए, विषाणु रोग फैलने से रोकने के लिए छिड़काव होता है, जो विषाणु रोग होता है उससे फैलने से रोकने के लिए
किसे डालते हैं, तो कीटनाशी को डालते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न, इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, देख लिया दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईपीएम शब्द दिया था, आईपीएम शब्द किसने दिया था, आईपीएम शब्द किसने दिया था, तो आईपीएम शब्द है बर्टलर लेट ने दिया था। किसने दिया था, बर्टलेट ने दिया था आईपीएम शब्द। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में है विषाण, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।